नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 8 जुलाई 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा परीक्षा 2018 अभ्यर्थी आज से कर सकेंगे ऑनलाइन संशोधन, आरपीएससी अजमेर। एएन सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पदों का नया वर्गीकरण इसी हफ्ते, आरपीएससी अजमेर। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं, मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू। आरपीएससी की लापरवाही, एएन भर्ती के 70,000 अभ्यर्थियों पर भारी, आरपीएससी अजमेर। एमडीएससी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आज से, वेरिफिकेशन व इंटरव्यू 30 को, अजमेर एमडीएस विश्वविद्यालय। रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के 1937 पदों की भर्ती परीक्षा 19 से, अजमेर। भू अभिलेख निरीक्षक भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई तक, जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय पंचवर्षीय लॉ कॉलेज में कल से काउंसलिंग, जयपुर। मेडिकल कॉलेज को 4 और विषयों में एमडी की मान्यता, जयपुर। प्रदेश में 11 यूनिवर्सिटी में जल्द होगी कुलपतियों की नियुक्ति, जयपुर। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉलेज के विकल्प आज से भरेंगे, जयपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति पद की योग्यता में बदलाव को चुनौती, जोधपुर हाईकोर्ट। खुद का कैंप्स नहीं, ट्रिपल आईटी कोटा और एनआईटी उत्तराखंड की नसी डेबडी, नए ब्रांच, जयपुर। स्टाफिंग पैटर्न में 4,623 शिक्षक सरप्लस, गंगानगर में सबसे ज्यादा और सिरोही में सबसे कम, जयपुर। टीचिंग और नॉन टीचिंग के 2,370 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे, नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 23 पदों पर नए सिरे से मांगे आवेदन, जयपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स पहली पसंद बने, जयपुर। इग्नू के 20 जिलों के कोऑर्डिनेटर्स की बैठक आज, स्किल यूनिवर्सिटी की वीसी की मौजूदगी में नया आईडिया पर होंगे विचार, जयपुर। सेना भर्ती रैली में दौड़ प्रक्रिया पूरी, अब 3 दिन तक मेडिकल जांच, जोधपुर। उत्कर्ष संस्थान में आईएएस परीक्षाओं के लिए फाउंडेशन बैच आज से, जोधपुर। कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, अजमेर। विधि संस्कृत और वैदिक स्टडीज में इस बार एडमिशन पर संकट, अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। सीटेट में 78% अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य, अजमेर। आदर्श स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त होने से पढ़ाई हो रही है प्रभावित, आधार से टैक्स जमा करने वालों को विभाग जारी करेगा पैन, नई दिल्ली। अच्छे सैलरी पैकेज के चलते स्टूडेंट्स का बड़ा कॉमर्स के प्रति रुझान। कोटा कृषि विश्वविद्यालय की 60% सीटों पर राजधानियंस का कब्जा, करणसर। आर्मी भर्ती रैली में अब अगले दिन 3 दिन तक चलेगी मेडिकल जाँच, जोधपुर। रेलवे में 2,167 वैकेंसी, 10वीं पास करे अप्लाई। सरकारी तंत्र की ढिलाई, सुरक्षा प्रभारी, कब मिलेगी जर्जर हिस्सा गिराने की अनुमति, जोधपुर। ऑल इंडिया 15% कोटे की एमबीबीएस बीडीएस मेडिकल काउंसलिंग का आज अंतिम दिन। कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, अजमेर। अंग्रेजी स्कूलों की बदलेगी सूरत, कोटा। विद्यालय में बैठने के लिए नहीं पर्याप्त जगह, बारिश होने पर परिसर में भर जाता है पानी, बसेड़ी। नवनियुक्त पर 6 माह से कम आयु का बालक होने पर प्रस्तुति अवकाश दिलवाने बाबत, बीकानेर निदेशालय। झालावाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 9 प्रोजेक्ट भारत सरकार में सेलेक्ट हुए, झालावाड़। बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रवासियों ने 62 साल पहले खोला स्कूल, अब ड्रेस से लेकर सभी व्यवस्था करते हैं, झुंझुनू। बीएड प्रवेश में शेड्यूल की पालना नहीं, सरकार पर 50,000 हर्जाना, जयपुर हाईकोर्ट। स्टाफिंग पैटर्न में 4,623 शिक्षक हुए सरप्लस, सबसे अधिक गंगानगर में, जयपुर। निजी स्कूल की ओर से टीसी नहीं देने पर मान्यता की रद्द, एसआरएम ने पेराम्बलर क्षेत्र के 300 छात्रों को दी छात्रवृत्ति, जयपुर। रीप से 50% सीटें नहीं भरी, 16 कॉलेज हो गए बंद, कोटा। सरकार ने नियमों को बिसारा, 5 बीएड कॉलेजों में
काम चलाओ सामान्य संकाय के शिक्षकों को खपाया। जोधपुर, पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षाओं का मिल सकता जिम्मा, डाइट होगी मजबूत। डीएलएड परीक्षा से हुई विभाग को लगभग 14 करोड़ की बचत। सीकर, तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।